यही एक मरोड़ है इनके अंदर, वही मरोड़ अब किसानों ने डिली करनी है। हर किसान एक बहुत ही संघर्षशील आदमी होता है, मैं तो क्या बताना चाहूँगा, किसान का दर्द तो बस किसान ही समझ सकता है। और किसान ये मान लेना एक दिन इस मोदी को मना के रहेगा। जब ये छोटे छोटे युवा किसान भी 10-10 साल के भी बोल रहे हैं सरपंच साहब भाई साहब धरने पर चलेंगे, तो और इससे ज़्यादा तो क्या होगा। अभी तो निकलने शुरू हुए हैं लोग, 2-4 दिन और ये कारोबार ऐसे चलता रहा तो देख लेना एक दिन दिल्ली क्या सबको जाम कर देंगे। ये हमारे बड़े छोटे भी का कताऊ भी हमें दोस्त दे रहे हैं पढ़ने की उम्र है, और यहाँ आप सड़कों पर आंदोलन। किसान भी तो शाम को यहाँ पे सर्दी में रहते हैं, हम उन्हें आंदोलन दवाने हैं। हम भी तो किसान के ही बेटे हैं। जमात अधे नहीं होगी जिनकी। अच्छा, सारे किसान भाई सारे आ रहे हैं, बड़े छोटे ताऊ चाचे सारे आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। मैं हूं अनिल खत्री, इस समय हम भाईकुंडली बॉर्डर पे मौजूद हैं, हमारी गेला किसान भी मौजूद हैं, और आप देखने लाग रहे हो हरियाणा के किसान है। हरियाणा के किसान जो है फल फ्रूट लेकर नए हरियाणा पहुंचे हैं। किसान भाई लगातार धरना प्रदर्शन अपना रोड के ऊपर डटे हुए हैं, और उनके लिए खाने की व्यवस्था भी लगातार जारी है, और हम जानने का प्रयास करेंगे। राम राम जी। राम राम जी भाई साहब, हम गवाना तहसील से आए हैं, मेरे नाना से हुई भाई बावड़ से हैं, कुछ गढ़वाल से भी हैं, और सब साथी भाई हैं। और आज तो इन्होंने ही अपने पैसे लगाए हैं, अगर चंदा करके सरपंच तो बतेरे लगा लिए, बेतराज हम लगाएंगे भाई। और ये छोटे युवा किसान भाई, ये छोटे भाई भी मेरे साथ साथ आए हैं। तो धरना प्रदर्शन जो है, और ये जो आप सेवा कर रहे हैं, सभी के सहयोग से ही होता है, एक आदमी से तो कुछ होता नहीं। आज पूरी टीम के साथ आए हैं, कल भी हमने देखा था आप जो है अपनी गाड़ी में जो है फल लेकर आए थे, आज भी लेकर आए हैं। तो ये धरना प्रदर्शन काफ़ी लंबा चलेगा या कम टाइम चलेगा, तो ये सेवा आपकी कब तक चलती रहेगी? मैं तो अकेला भी कर दिया रहा हूँ सेवा, तो अपर गुआंडी मेरे साथी भाई थे, ये यही कह रहे थे भाई तू सारी बार करता आज तो हम करेंगे। ये छोटे छोटे भाई हैं मेरे जो, ये भी साथी बिस्कुट लेकर आए हैं, और पर जो किसान भाई जो भी डटा है रोड पर, हम भी उनके लिए संघर्ष करने के लिए यहाँ आम जनता की आवाज़ बनकर आपकी सेवा में या इस देश सेवा के लिए हाजिर हैं। सरकार तो मानने को तैयार है नहीं, लेकिन किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, और कल खापों का समर्थन भी मिला था, तो क्या मानते हैं आगे ये जो आंदोलन है इसमें आगे क्या रहेगा? दिग्विजय जो चौटाला है, उनका एक बयान आया था कि भाई जो है ना बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए आपस में बातचीत करके सरकार और किसान ने। वो बातचीत तो करना चाहूँ, वो रास्ता भी निकाल दें, लेकिन वो एक दूसरे के साथ जी हैं, खुद मालिक नहीं है, मालिक ही बात ऐसी करता है, खट्टर चश्मे ला रहा है, उसके उतरे नहीं है, उतर जाओगा जब वो भी मान जाएगा, वो भी बताने लग जाओगा। तो कड़कड़ाती ठंड में किसान रोड पर रात न डटा रहे है, और सरकार अपने आराम तक सोवे है, तो के लाग गया यो कितना लंबा संघर्ष रहेगा? ये कितना है भी लंबा संघर्ष, आप देख लो हमारे ट्रैक्टर को, ये और तो कुछ काम नहीं आ रहे, कम से कम अपना घर बना के रोड पर तो डट सकते हैं, ये घर से तो भारी है सरकार है, क्या करेगा किसान। और फिर ये हमारे युवा भाई आने लग रहे हैं सब, ये देख लो सिस्टम आप, और इनसे पूछ लो, छोटे भाई आए मेरे, छोटे छोटे किसान आए हैं, पहले इनको देखो। हाँ, आप लोग जो है क्या यहाँ सोच के आए हैं? हम किसानों को अपना हक दिलाने के लिए यहाँ पे आए हैं, हम सभी को अपना हक दिलवाएंगे यहाँ पे आके, हम पूरा जोश दिखाएंगे, हम उनको अपना हक दिला के रहेंगे यहाँ पे। इतनी कम उम्र में इतना जज्बा, वो तो आप ही उठता है दिल में से, जैसे ये इतने भी छोटे बड़े भाई हैं, ये हमारे बड़े छोटे भी का कताऊ भी हमें दोस्त दे रहे हैं। पढ़ने की उम्र है, और यहाँ आप सड़कों पर आंदोलन। किसान भी तो शाम को यहाँ पे सर्दी में रहते हैं, हम उन्हें आंदोलन दवाने हैं। हम भी तो किसान के ही बेटे हैं। जमात अधे नहीं होगी जिनकी। अच्छा, सारे किसान भाई सारे आ रहे हैं, बड़े छोटे ताऊ चाचे सारे आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए? हाँ, माननी चाहिए बिल्कुल, लगता मान जाएगी, माननी चाहिए, माननी पड़ेगी, तो माननी पड़ेगी। जनता की आवाज़ नहीं है, ये भगवान की आवाज़ है। जी बिल्कुल, ये जनता की आवाज़ नहीं है, ये भगवान की आवाज़ है खुद। तो किसान, जब सारी जनता इकट्ठी हो जाती है तो भगवान की आवाज़ हो जाती है। मोदी साहब ने गलत रूल निकाला है, इस रूल को उनको वापस लेना ही पड़ेगा। सरकार तो लगातार यही कह रही है कि किसान नहीं है सड़कों पर, ये तो विपक्ष के लोग बैठे हैं। वो तो ऐसे ही बोलते हैं, जब वो विपक्ष में होते हैं फिर ऐसे बोलते हैं कि दूसरे विपक्ष के हैं, जब वो खुद सरकार में होते हैं तो विपक्ष आ जाती है, जब वो विपक्ष में होते हैं तो फिर बोलते हैं सरकार के बंदे हैं। क्या लगता है किसानों का जो ये आंदोलन है ये किस तरह से आगे चलेगा? अब सरकार कब तक? बयान बहुत अच्छा आगे चलेगा किसान के साथ, अब जनता भी आएगी साथ में, हरियाणा पंजाब की जनता, पूरे यूपी बिहार की जनता, आप देखना जनता भी साथ आएगी धीरे धीरे, और पूरी मदद करेंगे हम यहाँ किसानों की, हम खुद किसान के बेटे हैं, किसान ही हैं हम यहाँ पे,
आम जनता सारी किसानों से ही है, किसान से ही बाद में बने, बिजनेसमैन कोई भी नहीं है यहाँ पे, सारी आम जनता किसान ही है। किसान के ऊपर तरह तरह के अब जो है ना आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप इसलिए लगते हैं ताकि सरकार अपना मुंह बचा सके। सरकार ने गलत डिसीजन लिया है, डिसीजन को वापस ले गया। हजारे का भी एक बयान आया है कि भाई जो है किसान आंदोलन को उनका समर्थन है और सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही उनका वो निर्णय, सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए और ये डिसीजन वापस ले गए, जैसे किसान चाहते हैं वैसे ही अपना वो लेना चाहिए। बीच में अन्ना हजारे बहुत ही नेक और एक सच्चा आदमी है और वो सच्चाई के साथ खड़ा रहता है, किसानों के साथ क्यों नहीं खड़ा होगा। क्या लगता है उनके अब जो तरह तरह का जैसे खापों का समर्थन है, अन्ना हजारे का समर्थन है, निर्दलीय जो विधायक है बलराज सिंह कुंडू, उसके बाद जो है सांगवान खाप से प्रधान सोमवीर सांगवान और फिर जोगीराम सिंह आग, लगातार समर्थन किसानों को मिलता जा रहा है। समर्थन तो जो ये विधायक हैं सरकार वाले भी, उनकी भी मजबूरी है खतरे के होकारे बने, नहीं तो दिल से तो वो भी खुश हैं, अंदर से दोनों ने भी समर्थन कर रखा है क्योंकि वो भी किसान है। क्या लगता है विधायकों की मजबूरी है किसानों का समर्थन करना या फिर सरकार के साथ जाना मजबूरी है निर्दलीय जो विधायक है? देखो जो निर्दलीय जो विधायक है जो अच्छे और सच्चे आदमी हैं वो खड़े हैं किसान के साथ खड़े हैं। एक आधा जेजेपी वाला भी बोल रहा है, कोई रामकृष्ण बाल बोल रहा है, कोई कोई भी बोल रहा है, वो भी एक किसान है, वो किसान के दर्द को समझ रहे हैं। बीजेपी वाले भी समझ रहे हैं उस बात को, लेकिन खट्टर के सामने उनका एक ये मानना प्रोफेसर है, वो उसके आगे उनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। दुष्यंत चौटाला का कोई बयान नहीं आ रहा? कोई नहीं आ रहा, तो एक दिन वो भी आ जाएगा, उसका भी बयान हो जाएगा और उसको देना चाहिए बयान। छोटे भाई यहाँ पर किसानों को आनंदल के लिए। अच्छा, नहीं आपकी जो उम्र है स्कूल में जाने का है और आप आए हैं यहाँ जो है दिल्ली बॉर्डर के ऊपर किसान धरने पर बैठे हैं। हम भी किसान ही हैं, किसानों का पेट भी हमसे ही भरा जाता है, हम नहीं होते तो लोग कैसे अपना पेट भरते। क्या घर वालों ने क्या करोगे वहाँ जाके? नहीं कुछ नहीं, रास्ते में पुलिस वाले रोक रहे आने के लिए, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पुलिस वाले भी तो वही है किसान। किसान क्या कैदन रहोगे बेटे? जब तक रहेंगे जब तक किसानों को नहीं मिलेगा आजादी। क्या नाम है भाई? सन्नी। कौन सी क्लास में पढ़ रहे? मैं सातवीं में। कितना है? बावड़ ते। क्या करना है? कि मरा क्लीन। क्या कहा? किसान ना का। अच्छा, सरकार ना माननी ते? सरकार मानने क्यों नहीं गई? इतने किसान इकट्ठे हो रहे, कितने बहुत आ रही है, गाड़ी देख लियो पाँच पाँच आ रही है। माम कही आने वाली चाल अंत है। अच्छा, पहुँच गए अपना अकेले कर जावांगे। नाम ले आते सरकार ने कहेंगे लाए रहे आंदोलन।